अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कैपिलरी ट्यूब के बारे में। कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक लिक्विड जिस साइड तक मूव कर सकता है, उस साइड का फॉर्मूला होता है 2t cos θ / ρgr, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो डेंसिटी, टी सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखना आप, यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आपको 4 वेराइटी के न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर मिलते हैं। फर्स्ट, ये जो अपना बेसिक फॉर्मूला है 2t cos θ / ρgr, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको आर ना देके कैपिटल आर दिया जाएगा। कैपिटल आर यहाँ पर जो ये शेप बनती है इसकी रेडियस होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ये आर ट्यूब की रेडियस है और ये आर आपको जो यहाँ पर जो शेप बनती है इस ड्रॉप की उसकी रेडियस दे रखी है। तो यहाँ पर आर आर और ये थीटा, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रायंगल पर यूज करके हम जो आर बाई कोस थीटा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल आर में और अपना फॉर्मूला बन जाता है H = 2t / ρgr। इसके बाद में ज्यूरिंस लॉ, हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, सो H1 / H2 = R2 / R1। इसके बाद में जो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसफिशियंट लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड 10 सेंटीमीटर हाइट तक मूव कर सकता है, फिर अगर आप उसको और ज़्यादा डिप कर देते हो, उस कैपिलरी ट्यूब को आप और ज़्यादा डिप कर देते हो और उसकी ओनली 5 सेंटीमीटर हाइट ही लिक्विड सरफेस से बाहर है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके माइंड में ये आएगा कि लिक्विड फाउंटेन बनाता हुआ बाहर निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लिक्विड यहाँ पर आकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर इसका जो अपेरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, ऐसी सिचुएशन में लिक्विड वही है, सरफेस टेंशन नहीं बदला है, टी कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट, देन और यहाँ पर रो कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, हाइट में चेंज आया है और कोस थीटा में चेंज आया है, मीन्स यहाँ पर आप जो अपेरेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का न्यूमेरिकल है उसमें H / cos θ कॉन्स्टेंट होगा, H1 / cos θ1, H2 / cos θ2 आपको पूछेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अपेरेंट। थीटा वन की वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा क्योंकि लिक्विड के लिए वाटर होगा वहाँ पर और वैल्यू आपको कोस थीटा वन की वैल्यू 0 पुट करनी होगी, तो ये न्यूमेरिकल भी वहाँ पर एक इंपॉर्टेंस रखता है, इसको आप सीरियसली देखना। अगर आपको इंक्लाइन ट्यूब का न्यूमेरिकल मिलता है तो L लेंथ है, H लिक्विड की हाइट है और ये थीटा है, तो जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो किससे डिफाइन करोगे आप, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे LH = L cos θ से आप हाइट ऑफ द लिक्विड इन इंक्लाइन कैपिलरी ट्यूब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद में देखो, मैं आपको नीट के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसके अंदर दे रखा था ρ1 ρ2 ρ3 डेंसिटी के 3 लिक्विड डिफरेंट वो सेम रेडियस की कैपिलरी ट्यूब में सेम हाइट तक जाते हैं, फिर उनके आपको थीटा पर कमेंट करना था। तो देखना, H = 2t cos θ / ρgr, H कॉन्स्टेंट है क्वेश्चन में दिया है, सरफेस टेंशन वही रहेगा क्वेश्चन, नॉर्मली वाटर है सबके लिए सेम होगा, G सेम है, R सेम है, तो cos θ / r का रेशियो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, cos θ / ρ1, cos θ / ρ2, cos θ / ρ3, अगर ρ1 ज़्यादा है तो cos θ1 भी ज़्यादा होगा, ρ2 ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, ρ3 ज़्यादा है तो cos θ3 भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि cos θ1 ज़्यादा है मीन्स θ1 कम है, cos θ2 ज़्यादा है तो θ2 कम है, cos θ3 ज़्यादा है तो θ3 कम होगा, और सारे एंगल जो है क्योंकि लिक्विड ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सब के सब एंगल जो भी इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बट ऑल ऑफ द एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए उनका 0 से 90 की रेंज में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर को आप डिफाइन करोगे 2t / r * नंबर ऑफ सरफेस, ड्रॉप के केस में सिर्फ एक सरफेस होती है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। एक्सेस प्रेशर इनसाइड माइनस आउटसाइड, एक्सेस प्रेशर इज अ प्रेशर डिफरेंस विच कैन बी डिफाइंड बाई द 2t / r। बबल के केस में इंटरनल एक्सटर्नल दो सरफेस है, 2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आता है 4t / r। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, बबल इनसाइड ए लिक्विड बिहेव लाइक ए ड्रॉप, बबल इनसाइड ए लिक्विड बिहेव लाइक ए ड्रॉप, सो एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाई ओनली सिंगल लेयर है, यहाँ पर अंदर एयर है और बाहर चारों तरफ इसके लिक्विड है, तो एक लेयर है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सेस प्रेशर आता है 2t / r। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखोगे कि दो रेक्टेंगल शेप की प्लेट है, इनके बीच में डी डिफरेंस है, इनको सेपरेट करने के लिए जो फोर्स होता है, नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया था, एक्सेस प्रेशर कैन बी डिफाइन बाय 2t / d फॉर द रेक्टेंगल शेप प्लेट, प्रेशर फोर्स बाय एरिया 2t / d, सो फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स फॉर सेपरेट
required force for separate is separate the plate can be given by the 2t upon d into a. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सॉप बबल है वो कंबाइंड होते हैं आइसोथर्मल कंडीशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना, आइसोथर्मल कंडीशन में वो कंबाइंड होते हैं तो जो नए बबल की रेडियस है वो किससे दी जाती है, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर के अंडर रूट से. अगर दो बबल नॉर्मली कंबाइंड होते हैं और उनकी जो कॉमन रेडियस है, कॉमन रेडियस अगर पूछे, आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, कॉमन रेडियस पूछी जाए तो वो दी जाती है आर इज इक्वल्स टू आर वन आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू से. तो ये अपने इस चैप्टर की जनरल थ्योरी है.